वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लग्जरी जहाज कॉर्डेलिया क्रूज पर अचानक की छापेमारी में आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से इस मामले में लगातार अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है। एनसीबी ने मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। बीते दिन श्रेयस नायर को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर आज इस पेडलर को हिरासत में लिया गया है। वहीं कॉर्डेलिया क्रूज पर हुई रेव पार्टी आयोजित करने वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के गिरफ्तार चार आरोपियों गोपाल आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल, भास्कर अरोरा को आज किला कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद चार आरोपियों को 14 अक्टूबर तक एनसीबी के कस्टडी में भेज दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सोमवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को पेश किया था, जिन्हें 7 अक्टूबर तक कस्टडी मिली है। इसके बाद मंगलवार को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 8 लोगों को अरेस्ट दिखाया था, लेकिन कोर्ट में 4 को ही पेश किया गया, जिनकी 11 अक्टूबर तक कस्टडी मिली है। एनसीबी ने क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के कनेक्शन में मंगलवार को गोपाल जी आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल, भास्कर अरोरा को गिरफ्तार किया। ये सभी दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हैं। इन्हें मिलाकर इस केस में अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि एनसीबी द्वारा एक लग्जरी जहाज कॉर्डेलिया क्रूज पर सवार एक रेप पार्टी का भंडाफोड़ करने के कुछ घंटों बाद कंपनी ने रविवार को ये संकेत दिए कि वो इसकी छवि प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अध्यक्ष जुर्गन बेलोम के अनुसार कंपनी अब एनसीबी के निर्देशों के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई तय करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान गौरी भी आर्यन खान से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान आर्यन के लिए गौरी खान बर्गर लाई थी, लेकिन एनसीबी ने इसकी इजाजत नहीं दी। एनसीबी लॉकअप में आर्यन को भी उसी रेस्टोरेंट का खाना दिया जा रहा है, जहां से बाकी आरोपियों के लिए खाना आता है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।